एक लाइन खम्बे से कटी हुई है, लगभग 6 महीने से वो लाइन कटी हुई थी। RSCBI की लापरवाही की वजह से कब वो तार लगा के गए कोई पता नहीं। चक्का जाम किए हुए, हमें इसका न्याय मिलेगा। हम यहाँ से आके पहुंचा, सुबह उनको हॉस्पिटल रेफर किया, तब तक वहाँ से वो तार और वो खम्बा वहाँ से गायब कर दिया। ये RSCBI वालों का काम है। वो सबसे बड़ा बच्चा वही था कमाने वाला, और कोई है नहीं है। उसके छोटे छोटे 2 साल के 3 साल के बच्चे हैं। जवाबदारी विद्युत विभाग की है ना, पैसे उठाते हैं कागजों में, सर्विस होती है कागजों में, बाकी कोई सर्विस कहीं हुई नहीं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राजसमंद में विद्युत निगम की लापरवाही से एक डाक कर्मी की दर्दनाक मौत। जी हाँ, राजसमंद के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के गजपुर में चतरा जी का गुड़ा के पास खेत में पड़े बिजली के तार को छूने से करंट का झटका लगा, जिससे एक डाक कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। यह तार करीब 6 महीने से खेत में पड़ा हुआ है, पोल से टूट कर नीचे गिर गया था। इसकी शिकायत के बाद विद्युत निगम द्वारा बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी, लेकिन तार को मौके से नहीं उठाया, और उसके बाद अब अचानक विद्युत निगम द्वारा फिर से बिजली आपूर्ति चालू कर दी गई, जिसको लेकर वह किसान व डाक कर्मी अनभिज्ञ था, अनजान था, और इसके चलते उसने खेत के बीच में पड़े तार को हटाने का प्रयास किया। इसके लिए जैसे ही उसने तार हाथ में लिया, उसे करंट का झटका लगा, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। यह पीड़ित कोयल ग्राम पंचायत के भवानी की भागल निवासी महेश कुमार ठाकर शर्मा है, जिनके पिताजी की करीब 6 महीने पहले उनका निधन हो चुका है। उनकी माँ भी बीमार हैं, घर पर हैं। उनकी पत्नी है, वह शादीशुदा हैं। पत्नी रीना शर्मा भी इस हादसे के बाद स्तब्ध हैं, काफ़ी घबरा गई हैं और रो रो कर उसका बुरा हाल है। महेश कुमार शर्मा के 2 बच्चे हैं, एक बेटी 9 साल की हैं और जबकि 1 साल का एक बेटा है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी महेश कुमार शर्मा के ऊपर थी, और विद्युत निगम की लापरवाही के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, और इसी के चलते ग्रामीणों ने गजपुर के अस्पताल के सामने जाम कर आक्रोश व्यक्त किया है। खास बात है कि ग्रामीण इस वजह से आक्रोशित हो गए क्योंकि जिस तरह से घटना हुई, घटना के बाद महेश कुमार शर्मा की मौत हुई, मौत के बाद विद्युत निगम के कर्मचारी आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे और बिजली आपूर्ति बंद करने के बाद वहां से वह तार खोल कर उठा ले गए। ग्रामीण इसलिए आक्रोशित हो गए कि अब घटना के बाद जब इस व्यक्ति की मौत हो गई है, उसके बाद विद्युत निगम ने जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई, ऐसा क्यों किया, क्यों मौके से तार हटाया गया जब हादसा हुआ है, और अब क्यों हादसे को छुपाने का प्रयास विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है, जबकि यह तार पहले ही हटा दिया जाता तो अब इतना बड़ा हादसा नहीं होता, किसी की जान नहीं जाती। इसके चलते सभी ग्रामीण गजपुर में राजसमंद से कुंभलगढ़ मार्ग पर उन्होंने जाम कर दिया है। पेट्रोल पंप के पास में उन्होंने सड़क पर कांटे डाल दिए हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी हैं, और वहां पर सभी ग्रामीण मुख्य सड़क पर खड़े हैं, विद्युत निगम के प्रति आक्रोश जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है ग्रामीणों ने कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, और साथ ही विद्युत निगम के लापरवाह लाइनमैन या अभियंता या अधिकारी जो भी हो, उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है। सभी ग्रामवासी अभी आक्रोशित हैं, उनके समर्थक आक्रोशित हैं और रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कुछ पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन समझाइश के प्रयास जारी हैं। ग्रामीण इस बात पर अड़े हैं कि विद्युत निगम के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्हें आश्वस्त करें, तभी वे रास्ता खोलेंगे। फिलहाल कुछ पुलिसकर्मी मौके पर हैं, पुलिस के जवान मौके पर हैं, लेकिन रास्ता अभी खुला हुआ नहीं है, बसें और अन्य वाहन भी जाम में फंसे हैं। कुंभलगढ़ और राजसमंद का ये मुख्य मार्ग है, जहां पर एक तरफ सायंका खेड़ा से भी गजपुर पहुंचने का जो रास्ता है, दूसरी तरफ राजनगर राजसमंद से
केलवाड़ा कुंभलगढ़ पहुंचने का ये रास्ता है और दोनों ही मार्गों के छोर पर अस्पताल के पास ग्रामीणों ने रोड पर कांटे डालकर और दुपहिया वाहन खड़े कर रोड जाम कर दिया है। विद्युत निगम के प्रति आक्रोश लोग ये जता रहे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। यह घटना मुख्य रूप से आज सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। बताया कि डाककर्मी महेश कुमार शर्मा सुबह 7 बजे चतराजी का गुड़ा के पास खेत पर गया था और उसी दौरान उसने सोचा कि खेत के बीच में जो तार पड़ा हुआ है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि बिजली पहले से विद्युत निगम द्वारा वहां बिजली आपूर्ति बंद कर रखी थी और इसी के चलते महेश कुमार शर्मा ने वो तार को हाथ लगाया और तभी उसके करंट का झटका लगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सवाल अब यह है कि जब विद्युत निगम ने उसकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी थी तो उसके बाद बिजली आपूर्ति फिर चालू क्यों की गई, किस आधार पर की गई, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार हैं, यह मुख्य बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है और इसी के चलते ग्रामीण आक्रोशित हैं, आंदोलनरत हैं। ग्रामीणों ने रोड जाम कर रखा है और वो अब विद्युत निगम के जिम्मेदार बड़े अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर फिलहाल अड़े हुए हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण कुछ समझाइश के प्रयास भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि महेश कुमार ठाकर शर्मा के पिता शांतिलाल जी शर्मा का पहले कुछ समय पहले निधन हो चुका है। उनकी माँ भी बीमार रहती हैं और उनकी पत्नी रीना शर्मा और अब 2 बच्चे बेसहारा हो गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि महेश शर्मा का जो शव है केलवाड़ा स्थित तो हीरालाल देवपुरा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में रखवा रखा है, जहाँ पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस द्वारा करवाई जा रही है। लेकिन इधर ग्रामीण आक्रोशित हो गए, उनके परिजन आक्रोशित हो गए इस घटना के बाद में, उन्होंने जाम किया है रोड और आक्रोशित ग्रामीण इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि पीड़ित परिवार को आवश्यक मुआवजा दिलाया जाए और जिम्मेदार लापरवाह कार्मिक और अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, और इसी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन मौके पर किया जा रहा है। गजपुर के धीरज जोशी ने बताया कि महेश कुमार के पिता का पहले निधन हो चुका था और वह डाक कर्मी है, डाक घर में नौकरी कर रहा था जिससे उसके परिवार का गुजारा चल रहा था। पत्नी रीना जोशी और 1 साल का कियांश बेटा है, 9 साल की यशस्वी बेटी हैं। ऐसे में अब पत्नी व बच्चे बेसहारा हो गए हैं। बताया कि छोटा भाई किरण शर्मा जो कि एक दुकान पर कार्य करता है, लेकिन परिवार की पूरी जिम्मेदारी महेश कुमार शर्मा के कंधों पर थी। इसके अलावा महेश शर्मा का ग्रामीणों का कहना है कि घर पर कमाने वाला कोई नहीं था और महेश की कमाई से ही पूरे परिवार का पालन पोषण चल रहा था। तार टूटा होने से विद्युत निगम में शिकायत के बाद विद्युत निगम द्वारा बंद कर दी गई थी और अचानक बिजली चालू होने की वजह से महेश कुमार शर्मा की मौत हुई है और इसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा और लापरवाह कार्मिक और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे रास्ता नहीं खोलेंगे। फिलहाल गजपुर केलवाड़ा थाना क्षेत्र के गजपुर में अस्पताल के सामने ग्रामीणों ने जाम कर रखा है और ग्रामीण आक्रोशित हैं। दूसरी तरफ केलवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में महेश कुमार शर्मा के शव का पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई की जा रही है, पुलिस की समझाइश की जा रही है, फ़ोन पर पुलिस सामंजस्य बैठा रही है, कुछ जनप्रतिनिधियों को भी मौके पर भेजकर ग्रामीणों को समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल रास्ता बंद है, वाहनों की आवाजाही बंद है और ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हैं। सबसे पहले सुबह उठ के वो खेत पे गए थे, वहाँ एक लाइन खम्भे से कटी हुई है, लगभग 6 महीने से वो लाइन कटी हुई थी। RSBI की लापरवाही की वजह से कब वो तार लगा के गए कोई पता नहीं है। 4 बार शिकायत की पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ मौके पे मैं पहुँचा सुबह, उनको हॉस्पिटल रेफर किया, तब तक वहाँ से वो तार और वो खम्भा वहाँ से गायब कर दिया। ये RSBI वालों का काम है, जो भी लाइन मैन है या जो भी विद्युत विभाग का कर्मचारी है उसने ये चीज वहाँ से हटा दी सबूत मिटाने के लिए। अब हमारी यही मांग है कि जब तक गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो भी हो, जिसने तार हटाया उसने परिवार में उसके पिताजी नहीं थे, सबसे बड़ा आदमी वही था और उसके कंधों पे जो था वही था। अब उसका परिवार टूट के पूरी तरह से बिखर गया है। पागल से हूँ, मुझे सुबह ज्ञात हुआ कि महेश पिता शांतिलाल जी जोशी करंट से चिपक के मृत्यु हो चुकी है उसकी, जो कि अभी आके अस्पताल में लेके गए हैं। उनकी कोई भी ये जांच वाँच हो, पोस्टमार्टम हो रहा है। मैंने वहां जाके पता किया
बोले कि ये पोल है यहाँ गिरा हुआ था 8 महीने से 6 महीने से ऐसा कुछ बता रहे हैं लोग बाग। और यहाँ एक वायर सर्विस वायर जुड़ा हुआ था, उससे करंट से जुड़ा हुआ वायर था, वो भी वहीं पड़ा हुआ था। और मैंने वहाँ पूछा जो वहाँ से हमेशा आते जाते हैं, जैसे राम सिंह जी थे और आस पास वाले थे, तो ये वायर के यहाँ पड़ा हुआ था। और जब हमने जाके देखा तो वहाँ कोई वायर है नहीं, ये वायर आरएसपी विभाग ने सबूत मिटाने के लिए हटा दिए हैं। तो हटाए किसने हैं और किसके कहने से हटाए, ये हमें सारी जानकारी चाहिए। हम यहाँ गजपुर चौराहे पे 100-200-500 लोग बैठे हुए हैं, चक्का जाम किए हुए, हमें इसका न्याय मिलेगा। हम यहाँ से हट जाएंगे। उस बच्चे की परिवार में वो सबसे बड़ा बच्चा वही था कमाने वाला, और कोई है नहीं। उसके छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे हैं, उसकी माँ वृद्ध है और वो बड़ी मुश्किल से, उसके पिताजी भी पहले शांत हो चुके थे तो बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर वो अपना घर खर्च चला रहा था। अब वो बहुत दुखी हो गया उसका परिवार, और हम सारे गांव वाले उस घटना से दुखी है। तो इसको आरएसपी विभाग की खास लापरवाही आरएसपी विभाग की हो रही है। आरएसपी विभाग के बड़े बड़े कर्मचारियों के अधीनस्थ छोटे कर्मचारियों का, बड़े कर्मचारियों को छोटे कर्मचारियों पे कोई ये है नहीं, दबाव है नहीं, उसका कोई है नहीं। बस उनको तो खाली तनख्वाह उठाना लेना और खाना मस्त रहना है, काम वाम सही ढंग से होता नहीं। न प्रशासन का आरएसपी विभाग पे कोई कंट्रोल है, न आरएसपी विभाग के बड़े अधिकारियों का कंट्रोल छोटे कर्मचारियों पर है। ये सारा खामियाजा हम चौकड़े की जनता को उठाना पड़ रहा है। बार बार बता रहे सर्विस चार्ज लेते हैं कि हमने सर्विस कर दी, कोई हमने तो आज दिन तक, मेरी आज 58 साल की उम्र है, मैंने तो कभी किसी वायर की सर्विस होते हुए नहीं देखा कि कहां से वायर डैमेज हो रहा है, कहां वायर कमजोर हो गए हैं। बड़ी बड़ी लाइनें हैं, वो कभी भी और कहीं भी हादसा हो सकता है। सारी जवाबदारी इन विद्युत विभाग की है ना, पैसे उठाते हैं कागजों में, सर्विस होती है कागजों में, बाकी कोई सर्विस कहीं हुई नहीं, होती नहीं है। और मैंने एक्शन साहब से भी बताया था, एक्शन साहब को भी मैंने सुबह बताया कि भाई आपकी लापरवाही की वजह से हमारे यहाँ ये घटना हो चुकी है। एक डाक विभाग में कर्मचारी था, अस्थाई था ये तो हमें नहीं पता, परंतु डाक विभाग का कर्मचारी था जिससे उसका घर खर्च चलता था। मुख्य मांग या तो वो परमानेंट है तो उसके किसी भी भाई को या किसी को भी उसमें परमानेंट किया जावे। केंद्रीय सरकार द्वारा चल रही ये आरएसपी विभाग, ये अपने डाक विभाग पोस्ट में है, उसको कोई सर्विस दे दी जावे या उसके बच्चों के लिए कुछ भी ऐसी व्यवस्था कराई जावे जिससे कि उसका भरण पोषण हो सके और उसके बच्चे पढ़ सके और उसको कुछ घर खर्च के लिए भी और कुछ मुआवजा मिल जाए। मौके पे गए थे तब तो वायर वहाँ था, और वहाँ से जैसे हम डेड बॉडी को यहाँ लाए हम हॉस्पिटल, तो वहाँ से वापस गए तब तक वहाँ से वायर गायब हो कर दिया गया। वो गलत है, इसलिए उन्होंने वायर वहाँ से हटा दिया गया। फोन लगा रहे थे, फोन उनका चीज हो रहा है। बस हमारी यही मांग है, उसको यहाँ लाओ सामने जल्द से जल्द, बाकी हम यहाँ धरना परिस्थिति नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ डटे रहेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई करो हमारे सामने, दोषियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई, हम नहीं छोड़ेंगे। जो आज महेश कुमार की जो बड़ों मौत हुई है, ये बिजली विभाग के लापरवाही से हुई है। 6 महीने पहले उसने ये कनेक्शन कटवा दिया था, उसके बाद सोन सिंह वाला कनेक्शन जोड़ा था तो उन्होंने ये लाइन चालू कर दी। उस आदमी ने समझा कि भाई लाइन बंद है, इसलिए उसने समेट के साइड में डालने की कोशिश की, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। नंबर 6 9 5 3 0 5 3 0 6 4 1 6 4 1 नाम क्या ब्रो? प्रकाश झांगे। प्रकाश झांगे मैं नाते ले रहा हूँ जीत के खेला जो कौन
भगवान ने परिवार परिवार आने वाले समय में प्रशासन और पुलिस क्या एक्शन लेता है, निगम क्या कार्रवाई करता है, ग्रामीण शांत होते हैं, किस बात पर सहमत होते हैं, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा वह आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।